राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका। अगले दिन भी हमारा एक मौसम ऐसे ही हो रहा है। एक तो मैंने वो पोस्ट डाली फौजी की, अब तक मैसेज आ रहे हैं कॉन्ग्रेचुलेशन के। आज तो मुझे बद्रीनाथ जाना था, लेकिन बारिश में तो कहीं नहीं जाया जाएगा भाई। कमरे से बाहर आ जाएं वही बहुत है। दोस्तों वो भी कह रहे थे आने की, अब कहाँ से आए, यहाँ अपनी लंका लगी पड़ी है। नेटवर्क भी नहीं आ रहे यहाँ पे ना सही से। ब्लॉग अपलोड करने में मेरे को डिले हो रहा है। कल शाम तक सही थे, लेकिन सुबह देखा तो भाई और बैटरी बड़ी जल्दी ड्रेन होती है यहाँ पे। कल रात को मैंने 25-26% में छोड़ा था फ़ोन, सुबह देखा तो बिल्कुल नील बटा नील। भाई हम आ गए हैं, अब केदारनाथ के द्वार खुल गए हैं और हम भगवान की शरणों में आ गए हैं। हाथ जोड़ो यार, बुद्धि खराब हो रही है। तो हम आ गए हैं लंबू के ऑफिस में और ये रहा हमारा लंबू का ऑफिस। ये हम हैं, हमारा लंबू बाहर गई है और ये लंबू का ऑफिस है। यहाँ ढेर सारी दवाइयाँ हैं, किसी कोई अगर बीमार पड़ जाए तो कॉन्टेक्ट में। बाकी यहाँ पे फोटो दिखाता हूँ आपको, अच्छी अच्छी फोटो लगी है यहाँ पे। ये थी यहाँ के कुछ प्यारी प्यारी फोटो। हमें तो थोड़ी सी ठंड में इतने पेन होने लगता है, ये वो फलाना डैम का भाई ठंड लग रही है, लेकिन ये लोग देखना कैसे कैसे भी जाते हैं बर्फ। लंबू देवी गई है हमारी, पता है उन्होंने भी बंदूक चलाए, उनके पास अभी भी है, लेकिन वो सो नहीं करवा सकते, वो मना कर रहे थे, मगर सो नहीं करवा सकते हैं, तो इसलिए वर्क स्टार्ट ना। तुम करो अपना वर्क, मैं करता हूँ अपना यूट्यूब का वर्क। क्या क्या बात, दो चार छींक और मार दो। छींक में हमें तीन छींकों में एक कैडबरी डेरी मिल्क मिली, फ्रूट एंड नट वाले। चार छीक और मारते रहेंगे बीच बीच में। तो चार छीकों में कुछ अच्छे अच्छे चॉकलेट, और आपके लंबे वाले छीक में कोई बड़ी 200-250 वाली चॉकलेट निकाल लो फिर। रेट निकलेगी फिर। एलोवेरा जेल सी। क्या करो इनमें, योगेश भी है ना हमारा मेदांता में, वो भी लगा रहता है इन्हीं चीजों में, वो भी बस वन मैन आर्मी नहीं है, बाकी तो हॉस्पिटल में तो है ही। तो यार बारिश जैसी कम हो रही है, हमारे दिल में इच्छाएं जाग रही हैं, और जैसी बारिश बढ़ रही है इच्छाएं मर जा रही हैं, खत्म, हम भी मर जा रहे हैं साथ में। तो भाई ये मौसम खुल गया है और हम कल घूमने जा सकते हैं। देखो ये जो बादल है ना, ये वाले, ये देखो ऊपर को उड़ के जा रहे हैं, फिर बरस रहे हैं, फिर नीचे आ रहे हैं, फिर दोबारा बरसेंगे, फिर ऊपर जाएंगे, फिर नीचे आएंगे, तो यही चल रहा है ये सब कुछ। ये देखो उड़ रहे हैं ना, इन्हीं बादलों को रोक के रखना है। अब इन बादलों को कैसे रोक के रखें, भगवान से प्रे करके कि भगवान हमें बद्रीनाथ बुलाए, हम पापी नहीं है, हमने कोई पाप नहीं किया, और अगर किया भी है तो धुलवाने आए हैं भाई पाप को। हमें मिली है लेमन टी, और ज्यादा लेमन है इसमें, किसने बनाया। बीच बीच में खातिरदारी भी हो रही है, कभी चॉकलेट कभी ये। नेक्स्ट क्या रहा है, नेक्स्ट गुआ रहा है आर्मी वालों का।
पहले साथ में खाएंगे ठीक है। ऑल स्टेटमेंट का लेडीज फर्स्ट ऑल छुट्टी में देना भाई। ये कहता है जो क्लास में फर्स्ट रहते हैं ना फर्स्ट बेंचर वाले और ये है लास्ट बेंचर वाले इनके टुकड़ों में पलने वाले। पहले स्कूल में चीटिंग करते कि अभी दिखा दे पास करवा दे ये कर दे वो कर दे ठीक है चीट करके उनके बैग बैठना अब वो नौकरी कर रहे और हम उनके पैसों पे पल रहे। तो भाई ये है मेरी बड़ी सिस्टर ठीक है लंबू उर्फ लंबू तो लंबू ही कहूँ दीवी कहने में ऑर्डर लगे। देखो एक तो होता है कि हमें फॉर्मेलिटी वाला रिलेशन के हम भी बड़े हैं ऐसे बात करनी वैसे हमारा कुछ नहीं तू तड़ाक सब चले है भाई इनने तो कूट काट लो लेकिन अभी थोड़ी रिस्पेक्ट क्योंकि वीडियो है ना इसलिए। तो भाई मैं रिप्लाई दूं कूट का भाई मतलब यहाँ के मुझे कूट हो गए हैं ए देख लो मतलब देख लो शर्म नहीं आ रही है बस तो इन्हीं बातों में रहना बाहर में मिलो ना इन्हें केदारनाथ के पट बंद हो रहे हैं। ओ भाई चलते हैं घर को बहुत हो गया हमारा होमवर्क सॉरी हॉस्पिटल वर्क। कौन देख रहा है इतनी बारिश में मास्क हाँ यहाँ लोग तो दिख नहीं रहे दूर दूर से मास्क जब दिखेगा। आई हमने इन भैयाओं के साथ फोटो खिंचाया लंबू दी गई है अपने दोस्त के पास ये इसे हम बारिश से बचाएंगे थोड़ी देर के लिए। क्या नाम है इनका हिमवीर है कोई हिमवीर के नाम पे ITBP हिमवीर ये देखो बंदूक जय जवान जय किसान। हमने फौजी भाई को अपने बारिश से भीगने से बचा दिया है और वो ये कह रहे हैं नहीं हमें आपकी कोई ज़रूरत नहीं है मजाक कर रहा हूँ यार। अब भाई क्या करें कुछ है तो नहीं इसलिए हम आपको आर्मी कैंप ही दिखा सकते हैं उससे ज़्यादा हम आपको कुछ नहीं दिखा सकते क्योंकि कुछ दिखाने के लिए यहाँ से ये बारिश का रुकना ज़रूरी है। और फिलहाल मैं भीग गया हूँ और मुझे बुखार आ सकता है और मैं बीमार पड़ सकता हूँ। इस दिखाऊँ यहाँ पे ये है चीड़ के पेड़ पे होता है ये फल ये कितना लंबा लंबा है मतलब उत्तराखंड साइड में तो वैसे होता है इसका गोल मटोल सा यहाँ पे होते हैं लंबे लंबे से इसके अंदर से बीज निकलते हैं और फिर उनको खाते हैं। लेकिन अभी आ रहा हूँ लेकिन अभी ये खाने लायक नहीं हुए ये थोड़ी बड़े होंगे और फिर इन्हें पकाते हैं आग में फिर इसके अंदर से बीज निकलता है उसे खाते हैं बादाम की तरह। भगवान भी पता नहीं कौन सा गेम खेल रहा है हमारे साथ कभी तो मतलब ऐसे मौसम खोल देता है कि हम भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और फिर थोड़ी देर बाद ही ऐसा कर देता कि हाँ भी दो दिनों तक कुछ दिखेगा ही नहीं तुम्हें। भाई ऐसा हो रखा है मौसम आपका बाहर का ऐसा देखा कैसा हो रखा मौसम और ऐसा हो रखा हूँ मैं। अब बारिश थमे तो धूप निकलेगी बारिश बंद होगी लंबू बिल्कुल देख रहा नहीं है ना नाम आया ये तो एक टपक रहा है छत पॉजिटिव साइन है इनके साइन ही खत्म नहीं हो रहे जैसी बारिश आती है नेगेटिव साइन बारिश जाते ही पॉजिटिव साइन। मैं तुझे क्या अलर्ट खत्म हो गया तेरे को बद्रीनाथ के दर्शन और भी अच्छी लोकेशन में हो जाएंगे देखते हैं भाई कितनी अच्छी लोकेशन में होते हैं बद्रीनाथ के दर्शन। वहाँ पानी कितना है कैसा आ रहा है उस साइड में दिखाता हूँ आपको पानी एकदम बर्फ के जैसा आ रखा है ये दूध दूध की नदियां बह रही है यहाँ पे दूध फॉग ऊपर पूरा
चाय पियो, कॉफ़ी पियो, जो मन कर रहा और अपना व्यू देखते रहो। फिलहाल तो हमें इसी से ही मन लगाना पड़ रहा है। व्यू तो वैसे कैसा भी दिखे लेकिन इसे ही देख के काम चलाना पड़ रहा है। नदी की आवाज़ है, नदी से कितना धुआं आया ऊपर। ये नदी नहीं तो बिगाड़ रखा है, नदी बंद करनी पड़ेगी। बाय, गुड नाइट। ये सो रहे हो आप? ठीक है तो भाई लंबू जा रही है सोने के लिए और मैं करता हूँ व्लॉग एडिट। काम ही क्या है, नल्ले आदमी है, नल्ले बेरोजगार, बेरोजगारों के पास कोई काम थोड़ा होता है यार। मैं स्वेटर भी एक ही लाया, मैं एक ही स्वेटर लाया, मैं आया था गिनती के 3 दिनों के लिए, यानी कि एक दिन ओली, एक दिन बद्रीनाथ, तीसरे दिन घर को। अब लेकिन मुझे क्या पता यहाँ स्टे करना पड़ा है, कपड़े भी नहीं है भाई। तो वाला भाई कपड़े मांग मांग के पहन रहा है। करो दो, मैं लाई हूँ सारे शर्ट भर के खाली घूमने के पर्पज से, और एक टी शर्ट लाया था, एक ये है और एक लोअर, मतलब थोड़ा सा ही है घर पे पहनने के लिए। मैंने कहा नाइट नाइट में पहनना है अपना, दिन में तो डोलना ही है, लेकिन मुझे क्या पता दिन में भी इन्हीं में डोलना पड़ेगा भाई। ऐसी और खे मेरी लाइफ। मिलते हैं आपको बाद में। मैं सो रहा था और लंबू ने एकदम से चिल्ला चिल्ला के पूरा गांव इकट्ठा कर लिया। नुकेरी धूप देखो, देखो उनको दिखाता हूँ। दिख गया? तो भाई ये आ गया प्लस पॉइंट लंबू के स्टाइल में। ये हमारा प्लस पॉइंट है, प्लस माइनस नहीं, ओनली प्लस पॉइंट है कि धूप आ गई है। मौसम खुल रहा है। तो दोस्तों स्वागत है आपका हरे भरे जंगलों में धूप के साथ, सुनहरे सुनहरे मौसम के साथ। ओ भाई कितना बढ़िया लग रहा। क्या बात है यार, सच्ची में ये तो सच में प्लस से भी प्लस 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 अपर प्लस पॉइंट है हमारे पास कि इतना अच्छा व्यू हमें देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों बने रहिए ब्लॉग में। अब तो आपके भाई को ओए होए कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता आपके भाई को जाने से ले। तो तैयार रहिए, पैकिंग वैकिंग कर लीजिए, टोपी ओपी पहन लीजिए, स्वेटर वगैरह पहन लीजिए, हमारे तरह नहीं अपनी तरफ पहनिए, ठीक है? स्वेटर वेटर पहन के तैयार रहिए, ऊपर का मौसम और बढ़िया होने वाला है।